व्हाट अ प्रिटी गाउन ये वाला मैं सो अब यहाँ पे देख रहे हैं 1100 बोलते हैं ये वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना इतना भारी भारी बैग दे रखे भाई बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो ये व्लॉग होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड न्यू जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से चेक कर लिया है कि मैं जा रही हूँ चांदनी चौक यस क्योंकि आपको पता है कि मेरी बहन को हुई है बेटी और हमारे मतलब छूछक आप लोगों में आई डोंट नो ऐसा कुछ होता है नहीं मतलब मायके वालों की तरफ से कपड़े ये सब आएगा तो वो उसकी शॉपिंग हम करी जाएंगे हमारे में छूछक बोलते हैं और आप बताना आपके में क्या बोलते हैं ठीक है सो उसकी शॉपिंग करने के लिए मैं मेरी मम्मी और मासी जा रही है चांदनी चौक मैं ऐसा लग रहा है मुझे शादी की शॉपिंग में मैं एक बार गई थी या मुझे लग रहा है हाँ लगन वाले कपड़े लेने गई थी मतलब मेरे इन लॉज के उसके बाद मैं अब तक नहीं गई मतलब पूरे 10 महीने हो जाएंगे मुझे 10 महीने बाद में जाऊंगी सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी कि वह नया नया सामान देखने को मिलेगा कुछ पसंद आएगा तो देख लूंगी वरना वैसे मेरे पास ऐसी कमी ना मतलब चाहिए नहीं मुझे बट कुछ आएगा पसंद तो अलग बात है तो चलिए मैं दिखाती हूँ आउटफिट और फिर चलते हैं सीधे डायरेक्ट मम्मी के पास ओके गाइस सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस ये है टी शर्ट ये है शर्ट एक टॉप है लेकिन हाँ फैंसी बटन से लगे तो आप इसे टी शर्ट बोल सकते हैं पर क्या बोलूँगा मैं एंड देन जीन्स एंड शूज सो दिस इज माय टुडेज आउटफिट क्यूट तो मैं बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं पहन रही क्योंकि चांदनी चौक में ऐसे वैसे तो पहनते नहीं ऐसे गोल्ड वोल्ड कुछ भी मार्केट में नहीं जाती पहन के और क्योंकि मैंने वॉच पहनी है सो आज मैं सोच रही हूँ कि नो चूड़ा डे हम मनाएंगे इसलिए मैंने चूड़ा भी नहीं पहना है सो दिस इज़ माय जीन्स एंड शूज एंड आउटफिट एंड हेयर इज़ माय बैग यस सो ये है मेरा आज का आउटफिट सो चलते हैं मार्केट तो मुझे हिमांशु ड्रॉप करेगा आधे रास्ते और मैं जाऊँगी मौसी के साथ सीधा चला ले कल पता चले मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी ना मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी ठीक है ना तो मैं ऑटो नहीं जाएंगे हम जाएंगे मौसी के साथ मौसा के साथ गाड़ी में तो मैं ज्यादा से सीधा मौसी के पास और फिर सीधा गाड़ी में बाय ये रास्ता बहुत बेकार लगता है मुझे दिन की दिक्कत है इनकी वह फिर बढ़िया फुटा उठा आवाज है ना जब तो परेशानी ना बहुत दूर यहाँ पे 30 सवारी हम आ गए हैं और मेरे मौसा ने हमें ड्रॉप कर दिया बस एक बस स्टैंड बाकी है इसलिए हम सोच रहे थे बाहर बहुत दूर का बस नहीं आ जाए तो ये मेरी मौसा और मेरी मम्मी बस इसके बाद हमें उतरना है ओके सो वी आर रीच दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ से जाएंगे थोड़ा पैदल वॉकिंग का डिस्टेंस जितना भी है ये सारी गली वली क्रॉस करके फिर अंदर की तरफ भाई कितनी बेकार अभी लग रहा है चलो और ये हम बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच गए हैं नई सड़क मुझे तो नई सड़क ही पता है पुरानी दिल्ली ये वाला तो सारा न्यू बना था तब मैं मेरी शादी में पहली बार मैं सेम इसी टाइम पे सितंबर में अपनी शादी का लहंगा लेने आई थी और सेम अभी मैं दोबारा शॉपिंग करने आई हूँ नॉट फॉर माय लहंगा बट यस अपनी बहन के बच्चे के लिए सामने गुरुद्वारा है यहाँ पे और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है जो मैं शादी में गई थी तो मैंने इस तरफ वाली शॉप थे ना गुरुद्वारा के वहाँ मेरी सास मैं मम्मी बहुत शॉप मैंने एक्सप्लोर की लहंगे के लिए बट फिर मुझे लहंगा पसंद आया था कहीं अंदर से जाके अब मुझे वो दुकान भी याद नहीं है यार बाहर बाहर याद रहती मार्केट अंदर नहीं सो ये है छाबराज मैं दोबारा थोड़े दिन बाद चलो और ये है रियल चांदनी चौक की गलियां भाई कितनी कितनी पतली पतली है थोड़ा जल्दी आ गए हैं हम मतलब 10:30 हुए हैं नहीं 10:50 हो गए एग्जैक्ट टाइम बट बहुत ही कम शॉप्स ओपन है ज़्यादातर आप देख सकते हो शॉप क्लोज है सबसे ज़्यादा चांदनी चौक का ही है इतनी पतली पतली गलियां और यहाँ अब मुझे बोलते हैं लहंगे की बताओ भाई मैं ऐसे ही रैंडम चली गई थी लेने के लिए ऐसी ही गलियों में सो मुझे याद नहीं है और चल छोड़ो अभी हम ना पहले पीलिया लेते हैं लेंगे जैसे कि मैंने बताया कि पीलिया जाता है तो उसमें पीलिया है मेरी बहन का तो उसका पहले पीलिया लेंगे फिर जाएंगे तो ये पतली पतली गलियां बहुत अंदर निकलेगी कहीं जाके
ये सामने है प्रीलिए की शॉप, हम ही जाते हैं हमेशा यहाँ। और ये है कचौड़ी वाला भाई, ये मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं इतनी खाई है ना इस पर कचौड़ियाँ, तभी भी मैं आती हूँ, मैं हमेशा देखो ये हमेशा यहाँ खाती हूँ। तो ये सारी ना प्रीलिए की शॉप है, लेकिन हम जाते हैं इस वाली शॉप पर, ये जानते हैं भैया, तो यहीं से लेंगे प्रीलिए। चलिए सो ऐसे हैं, देखो आप लोगों को पता है जब मेरे घर पे हवन हुआ था ना, तो मैंने हवन में वेयर कर रखी थी, वो भी इसी शॉप से है हवन की। और यहाँ से हम अपनी बहन के लिए लेके जाएंगे। तो आप लोगों ने मुझे बहुत पूछा था कि हवन की कहाँ से, तो आप देख लो कि ये मैं बता दूँ कचौड़ी वाला है, यहाँ पे सारे प्रीलिए मिलते हैं। तो फिलहाल दुकान है इनकी, इन्हीं से ले जाते हैं। ये वाले भैया नहीं जानते, एक और भैया है यहाँ पे, वो जानते हैं, तो थोड़ा रेट भी सही कर देते हैं और जान पहचान भी है। तो देखो कितना प्यारा बना, मैं आपको रेट से होगा फाइनल बता दूंगी और रेट बता दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। मेरा वाला जो था वो 3000 का, क्योंकि उसमें बीच में बहुत काम है और शादी में थोड़ा हैवी देते हैं, तो मम्मी तो भी हैवी देगी और देख लेते हैं। 3-3.5 और ये डिफरेंट टाइप का है, इसमें ना ये ऐसे कंधे पे आ जाएगा ये और नीचे लटकेगा। आपने ऐसा सोचा था क्या मम्मी, ऐसा सोचा हुआ था आपने? डिफरेंट है कुछ, समझ जाएगा उससे इजिली। तीन हजार का है ये नीचे वाला, मैं देखो वहाँ पे टैग लगा हुआ है, मैं बताऊंगी आपको जब फाइनल होगा। यहीं से लेगी थी जो मेरी सगाई का है। भाई क्या कर रहे हो यार? तो ऐसा लिया है हमने, पैक करवा लिया, मैं फोन पे लगी हुई थी, दिखा दूंगी बाद में आप लोगों को, चलते हैं। और अब हो गई है शॉप्स ओपन। व्हाट अ प्रिटी गाउन ये वाला, मैं होती ना अगर मेरे भी तो मैं गाउन नहीं पहनती, बट मेरी बहन के है तो वो तो गाउन नहीं संभाल पाएगी। सो मैंने दिखाया आपको कुछ लहंगे पहले भी, कुछ अब दिखा देती हूँ। आ गई वो ग्रीन वाला, अच्छा था बट वो ज़्यादा ही रेट बोल रहा था और हम इतना चाहते नहीं थे लेना, इसलिए ये वाला देखते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लहंगे हैं, मतलब मेरा बेबी होगा, मुझे आप गाउन देना ठीक है। अब नॉन मेडल है, उससे शूज़ निकालो, ये बहुत बेकार बात है, बार बार बिना शूज़ के सही नहीं लगता। इस वाली शॉप पे मैं आई थी लेने के लिए, इसमें भी और साइड वाली गाउन वाली पे भी, गाउन वाली पे तो मैंने आपको दिखा दिया पहले, तो मैं एंगेजमेंट पे आई थी अपना गाउन देखने के लिए, उस टाइम ये सब कलर नहीं थे, वहाँ से मैं गई थी ऊपर, लेकिन वो बहुत, ये पता है आपको दिख रहे हैं ये बहुत सुंदर है, ये कम से कम ना 20,000 की है ये स्टार्टिंग, मेरा था 18,000 का शादी में, सॉरी एंगेजमेंट पे, सब कुछ याद आ गया शादी वाला ही। अब चलो वो दोनों तो अंदर बैठे, मम्मी देखेंगे मेरी बहन के लिए कुछ लहंगे, चलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं वेलवेट में, इसके लिए चाहिए आपको? नहीं नहीं मेरी सिस्टर के लिए चाहिए, तो वैसे यहाँ पे अलाउ नहीं है, बट इन लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब का शूट कर रही हूँ इसलिए मुझे ये अलाउ कर रहे हैं, वैसे ये बिल्कुल मना कर देते कि वीडियो नहीं, बट तब मैंने बोला तब अलाउ कर रहे हैं। वो काला पड़ जाता, ये काला नहीं पड़ता, वो काला हुआ पीस वो रखा कटदा ने काम, उसको तो कम रख दिया। ये अलग डिजाइन के ऊपर, दिस इज इंडिया गेट डिज़ाइन। तो हम कंफ्यूज है कि वेलवेट का ले फंक्शन के लिए उसके लिए या फिर नॉर्मल ले, तो फ्लेयर तो काफ़ी है, फ्लेयर में दिखा रहे हैं आपको, आप 2 बजे के बट एक कपड़े का मुझे तो ये पर्सन ही अच्छा लग रहा है, मेरे लिए अच्छा लग रहा है, थोड़ा लाइट कलर है वो, पिंक लाइट कलर कम पहनती है, उसको डार्क शेड्स ये सब, ये ग्रीन वाला बहुत सही लग रहा है मुझे, और देखते हैं क्या फाइनल होगा, अपनी शॉप पर जाना पड़ेगा इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, देख के क्या रहे हैं, फाइनल तो जल्दी से होता नहीं है आपको पता ही है। अब थोड़ी मार्केट खुल गई है पहले से, तो हम ये सोचिए कि पहले सूट ले लेते हैं क्योंकि हमारा सूट ज़्यादा पहनते हैं, उसके बाद हम लहंगा देखेंगे। सामने अरुण की शॉप है, अरुण मस्त्र भंडार है, इस वाली गली से निकले हैं हम अब, क्योंकि उनके वहाँ ना सबके घर पे, मतलब उनके ससुराल में सब पहनते हैं सूट, लहंगे कोई नहीं पहनता,
हाँ मतलब साड़ी नहीं पहनता, इसलिए हमें पहने जाना सूट की मार्केट में। हम लेते सूट एग्जैक्ट अरुण के सामने और फिर देखते हैं लहंगा लेंगे क्या। तो एक शॉपकीपर ये है, ये भी भैया ही, ये जानते हैं मासी, क्योंकि मासी बहुत आती थी पहले, मतलब अभी भी आती है। तो मम्मी को उन्होंने बोल दिया कि आप जाके अंदर अपने आप जो आपको सही लग रहा है वो देख लो। तो सूट लेना है हमें यहाँ से बेसिकली, इसीलिए सूट वाली शॉप है ये पूरी और कुछ नहीं है। तो मम्मी को बोला है इसलिए बाहर ही बैठे हैं, यहीं पर ही है अरुण की दुकान के सामने ही है बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बोल दिया अपने आप पसंद कर लो, इसलिए मम्मी पसंद करने गई है अंदर। वही बहुत सारे सूट है, मैं तो कंफ्यूज जाती हूँ कौन सा लूँ, बट मुझे तो सूट नहीं लेना अपने लिए। तो अभी फिलहाल सूट ज़्यादा ही पसंद आ गया ना, कुछ ही हो गया भाई, रुका ही नहीं जा रहा उस सूट के बिना, तो अलग बात है। बट वैसे मेरा कोई मन नहीं है लेने का, बस मेरी बहन का लहंगा और मेरे फाइनल से पूछेंगे हम करेंगे साड़ी या लहंगा, दोनों जो बोलेंगे वही ले जाएंगे उसके लिए। पर मैं अभी नहीं लूँगा ना, बहुत पहले सस्पेंस खत्म हो जाएगा उसके ड्रेस का। बस ये बता सकती हूँ साड़ी या लहंगा, क्योंकि यार उसको तो पहनना है ना, पहनी सब देख लेंगे क्या पहनेगी, तो अच्छी बात नहीं है। चलो पसंद कर लेते हैं। वाह यार, शादी कितनी जल्दी हो गई, कहाँ थे तुम मेरी शादी के टाइम? ये कपड़े आई डोंट नो, ये कपड़े उस टाइम कहाँ चले गए थे, तब मैं अपनी लेनी नहीं, तब ये कुछ नहीं मिला, नॉन सेंस। ये हर एक दुकान पे रुक रहे भाई, वाह यार ये कुछ भी नहीं मिला मुझे तब मैं आई थी, अब ये हर चीज़ मिल रही है। कोई बात नहीं, मुझे कपड़ों के लिए भी प्लान करना ही पड़ेगा, छोड़ो। सो मैं दिखाती हूँ अभी अपनी हालत। सो मैंने अपना फेस कवर किया है भाई, बहुत धूल मिट्टी है और यहाँ पे ना अभी हम कवर पे हैं ना, देखो धूप है, धूप बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सनलाइट है धूप है ऑफकोर्स, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, डस्टिंग कर रहे हैं हर जगह, इसलिए मैंने अपना फेस कवर किया है। तो कोई पहचानेगा भी नहीं कोई मिल भी गया तो पहचान नहीं सकता आज मुझे। मैंने पर्सनली नोटिस किया है ये अरुण वाली गली है, अरुण की शॉप है ये वाली, कहीं पूछ लेना अगर आप लोग आए तो। जो चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है वो ये है, थोड़ा सा साइड होना भैया, कि अब की बार गाँव का कलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर किसी की इंगेजमेंट आने वाली है तो वो बाहर रोड से ही, मतलब देखो पटड़ी से ही, ये गाउन्स की शॉप है, यहीं से ही आपको मिल जाएंगे भाई, बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं गाउन। अब उस टाइम मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी तब मैं आप देंगे, पर ये भी होता है कि देखो जब खुद के लिए लेना हो ना तो समझ नहीं आता क्या ले, वैसे नॉर्मली अच्छे लगते हैं मुझे, कोई बोल दो कि तीनों में से कौन सा ले, तो भाई मुझे तीनों में से कोई सा भी नहीं लेना, वो अपनी बात हो जाती है। तब अपनी इंगेजमेंट होते सोचते बहुत फ्लेयर, बहुत कैन कैन, बहुत बड़ा फ्लेयर वाला, तो ये सब सोचते रहते हैं हम, ठीक है। तो चलिए अभी बैठते हैं, मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों के लिए। अभी आपको घर में शादी वादी है तो आप थोड़ा ले सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली जो लेना है काफ़ी बड़ी है, खूब लेंगे और साड़ियाँ इसमें बाहर ही मिल जाएंगे। ओके ये देखो अभी शादी सीजन ना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो सितंबर है, और ये देखो सुबह 11:30 बजे अरुण की शॉप के बाहर लाइन, दिस इज़ आवर शॉप। जहाँ तक जा रही नज़र वहाँ तक आपको नज़र आएगी भीड़, लाइन लगी है अंदर एंट्री की, अंदर इतने बंदे हैं, एक साथ 4-5 को भेज रहे हैं एग्जिट के बाद, और इतनी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हो, टेम्पो के वहाँ तक लाइन लगी है पीछे तक, बाई टू मच जाम। तो ये है नेट वाली, आपने देखा होगा मेरे पास डार्क पिंक कलर में ऐसा जाल वाली है। सो ये इस वाली शॉप पर ना स्पेशल नेट वाली ही मिलती है, आप देखो सामने कितनी सारी ऐसी नेट की लगी हुई है। तो सोच रही है कि एक ले ले उसके लिए, मेरी बहन के लिए। मेरे पास ऐसे दो हैं, एक डार्क पिंक है बिल्कुल डार्क कलर में, पूरा जाल है उसमें, इस टाइप का जाल आपने देखा भी था, तो ये वाली है, तो सारे जाल का ये वाली शॉप, और उनसे आप आगे निकलोगे तो यहीं आपको मिलेगी। और देखो ऐसे भरा हुआ जाल है पूरा, 1650 रुपये की है ये, मेरी वाली 2500-2300, क्योंकि वो थोड़ा हैवी है और डार्क कलर है ये है। ओके ये ब्लैक भी है, तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ऐसे नेट में मिल जाएंगे। मुझे तो रेड सुंदर लग रही है मम्मी, हाँ जी भैया हाँ। ये ज्यादा अच्छा लगा, जाल है ना इसमें, वो तो वैसे पॉइंट पॉइंट है, इसके अंदर जो है आपको यही वाला कलर ब्लू कलर। मम्मी आप घूम फिर के कितने ब्लू लोगे उसके, भैया उसके पास सब कुछ मोर पंख का ही है, ज्यादा कलर यही पहनती है। ये रहा ना पर्पल और लाइट पिंक, इसके नीचे वाला कलर जो नीचे है उसके,
कपड़ा अलग है, दिखाना नहीं, ये तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये सही लग रहा है मम्मी, देखो ये वाला ये 2200 रुपए की है, तो हम फाइनल करते हैं। फिर लहंगा भी ऐसा ही हो जाएगा मोस्टली ग्रीन ग्रीन कलर, मिंट कलर। आपकी बहन बेटी जो भी है वो 10,000 में लेगी। ब्लाउज सिला लेने के बाद तो भैया साड़ी भी आजकल एक ही पहनता है, ब्लाउज नहीं आता दूसरे बंदे को। अब इसका ब्लाउज रानी को, बहू रानी को जो भी है उसको जाते इतने पसंद आएंगे ना। एक पल मैंने फेस खोले भाई, सांस नहीं आ रही, इसका पूरा जाल है इस वाली शॉप पे। मतलब हम ना वहीं आते हैं जहाँ बहुत पहले से आते, तो ये वाली शॉप में हम बहुत पहले से आते हैं। मैं आई थिंक 4-5 ठीक है से ले लेते हैं हम। मैं दिखाऊंगी सारे कपड़े एक बार, अभी नहीं दिखा रही कुछ, वरना सब तो उसके घर वाले देख लेंगे क्या क्या दे रहे हैं पहले ही। अब दिख रहा होगा ना, लाइट ऑन कर दी भैया ने, ये देख के क्या यूट्यूब सब कुछ आता है, व्लॉग कर रहे हैं तो क्या आप यूट्यूबर हो, तो मैंने बोला हाँ, तो ये बोल रहे भैया साइड वाले लड़े वाले, हाँ मैंने आपको देखा है। और फिर मैंने स्पेस ओपन किया, पर उन्होंने लाइट ओपन कर दी ताकि मैं वीडियो अच्छे से बस शूट कर सकूं। सो हम कंफ्यूज है टू डिज़ाइंस में कि कौन सा डिज़ाइन हम लें। फिलहाल हम ये सोच रहे हैं क्योंकि दो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, एक ये पर्पल वाला और एक नीचे रेड। मम्मी थोड़ा रेड में कन्फ्यूज़ है, दिस इज़ डिफरेंट डिज़ाइन, ये भी न्यू है। मुझे तो ऐसा है कि मैं तो सारे ले लूँ, कितने जाऊँगे मैं कपड़े। अब मैं बोल के आई हूँ मैं घर पे कि मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे ऐसे नीड नहीं है, बट यार बिना नीड के भी अब मुझे देखना। अब मम्मी होती ना मेरी, संतोष मम्मी, तो मैं बोलती मम्मी साड़ी प्लीज़ लेकिन कोई बात नहीं यार, कभी पेटा नहीं भर सकता हम लोगों का सूट साड़ियों से। अभी मेरी बहन का नंबर है, मेरी शादी 6 महीने पहले, मैंने जो हाथ रखा जहाँ हाथ रखा इस जॉब पर बैठ के, मैंने खुद अपने लिए साड़ी ली थी वो पिंक वाली, इसीलिए अब मेरी बहन का नंबर है और मेरा नंबर है व्लॉगिंग का। एज यूजुअल मैं करूँगी व्लॉगिंग, कैसे बैठी हूँ मैं, सब तो कुछ नहीं खा रखा, घर से दूध और लड्डू खा के आई थी जो हमने बनाए थे लास्ट लोग में, हमने देखा था बहुत टेस्टी लड्डू बने भाई, आप लोग भी ट्राई करना। यस आई लाइक दिस वन ऑल्सो, डार्क कलर की बनावट का फर्क है यार, ये कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे भी, कर रहे हैं पता नहीं कौन सी लेंगे। एक साड़ी पे इतना कंफ्यूजन, तो क्या करें फिर, तभी तो पसंद आती है। भैया ने सब्सक्राइब भी कर लिया चैनल को, तो अगर आपको ऐसे नेट में चाहिए तो आप आ जाना इनके पास, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस। मैं जहाँ भी आ रही हूँ मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ, सो कोई सोचे ना कि मैं ऐसे पेड कर रही हूँ, सब कुछ ऐसा ही है, जहाँ मैं जा रही हूँ वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो इन लोग, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया, इसलिए आप ज़रूर आना इनके यहाँ पे देखने के लिए। चलो चलते हैं, हो गया हमारा फाइनल। तो ये अरुण के साइड में ना दुकान है अंदर की तरफ, आप यहाँ से आओगे ना तो मैं आपको दुकान का नाम दिखा देती हूँ। सो ये शॉप है विकास कलेक्शन, इनका नंबर भी लिखा है आप देख सकते हैं, एंड क्या है इस पे नंबर भी है, एड्रेस भी आप कॉल कर लेना। तो मैंने यहाँ से लिया है, शॉप थोड़ी छोटी है बट कलेक्शन सारा अच्छा है, ठीक है। तो मैं लहंगा अपनी बहन के यहीं से ले रही हूँ, आप लोग उनको लहंगा दिखाऊंगी फंक्शन पे, लेकिन शॉप मैंने दिखा दी है विकास कलेक्शन, आप आ सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। सो मम्मी और माँ से गए हैं आगे, सो मैं खा रही हूँ गोलगप्पे, उनको कुछ काम है तो वो चले गए, मैंने लहंगा ले लिया है अपने साथ, सो अब खा के फिर चलूँगी आगे। और गोलगप्पे खाने के बाद मैं आ गई हूँ मेन रोड पे, देखो ये है थान, यहाँ मिलते हैं थान के कपड़े, बहुत सुंदर और बहुत महंगे, जिससे लहंगे बनते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। हाँ मैं तो ये बोल रही हूँ ताकि आपको सही, दो शॉप है एंड दोनों के ही मतलब ये लगा लो एक एक मीटर 1100 बोलते हैं ये, वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मम्मी वहाँ बैठी है सामने, वो खाने की शॉप है, मोस्टली जब भी आती है तो यहीं पे खिलाती है सबको, इसलिए भी सब वहीं बैठे हैं। और ये है अभी यहाँ का नज़ारा, मैं लेती हूँ ठंडी छाछ अपने लिए, ये रहा, और खस्ता कचौड़ी, वो लोग खाएंगे भटूरे मुझे पता ही है हमेशा जैसे। देखो ये भी सब थान के सामने दिख रहा है आपको, फिर देखो ये सब थान है, दे लेती हूँ मैं, चलती हूँ फिर अंदर पे हैं अंदर, यहाँ की लस्सी और ये भटूरे सब बढ़िया हैं, तो अब चलते हैं अंदर, वो बैठे सामने।
खा लिया मेरे बिना, मुझे भेज दिया काम करने के लिए और खुद खा लिया। वो बंदे ने कहा था ना भटूरे खाएंगे, देखा हमेशा ही भटूरे खाते हैं ये। देखती हूँ मैं क्या मंगवाऊंगी। चलो तो उन्होंने तो मेरे बिना खा लिया और मैं भी अपने अपने लिए लस्सी लेके जाऊंगी। अब लोग खुद भी लस्सी भी पी ली और अपना पुराना भटूरा भी खा लिया। ये मुझे ऐसा देखते हैं यार ये लोग कभी कभी। ये लो भैया थैंक यू। तो ये है नीचे से 30 रुपीस। सो ये है मेरा डोसा और इसे ले गए सामान छोड़ के मेरे पास, ये बोल रहे हैं मार्केट में इतना सामान परेशान रहेंगे। वो थोड़ा काम बचाया अब इसलिए मैं खा लेती हूँ, तब तक क्या पता वो आ भी जाए वरना मैं बैठ जाऊँगी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना सिटी है, बस मैंने चांद चौक में ना हर जगह स्ट्रीट फूड है, रोड पे खड़े होके और वो बहुत गंद मतलब ऐसे धूल मिट्टी ये सब, बस यहाँ पे ये कि बैठ के आप खा सकते हो इसलिए। सो हेयर इज रिव्यू टाइम। इन लोगों ने पनीर डोसा बुक करके मुझे अनियन डोसा भेज दिया है। ये देखो ये इनका पनीर डोसा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें पनीर है कहाँ। इन्होंने मुझे अनियन डोसा दे दिया पनीर डोसे के पैसे लेके, नॉन सेंस, इतनी ज़्यादा अनियन खिला दी मुझे, कहीं भी पनीर नहीं है इसमें। चलो क्या ही करें। और अब मम्मी आ गई मुझे लेने और अब जा रहे हैं सूट वाली मार्केट में ये सामान, और मैं तो हाथ तोड़ दिया भाई, और अब तो हाथ तोड़ने वाली की बारिश शुरू होगी मेन सूट की मार्केट में। तो ये है पूरी सूट की मार्केट, थोड़ा अपोजिट है ये। अब जाएंगे देख गलियों में और करेंगे भर भर के शूट सूट की शॉप। मेरे तो सांस फूलने लग गए। अब ये इतनी पतली पतली गलियाँ, यहाँ से निकलेंगे और टक्कर मारते रहेंगे दूसरे को। दे देखो यहाँ पर पता नहीं मुझे कुछ पसंद क्यों नहीं आता, क्या पसंद हो गई मेरी ऐसी। ये बैठे भाई चलते हैं मेरी फेवरेट शॉप पे। भाई ये शॉप मेरी फेवरेट है, लेकिन बार बार से मैंने यहाँ इतने सूट पसंद किए थे शादी में, फिर मैं 5-6 लेके भी चली गई थी क्योंकि सच में बहुत अच्छी वैरायटी है। देखो कितने सुंदर है ग्रीन वाला, यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते, सामने येलो पिंक पर्पल। भाई कोमल नहीं लेने कपड़े यहाँ पे, सब हो रही है स्टिच से। जो मेरे पास सूट है ना जितने भी स्टिच सरारा के पर्पल और येलो ग्रीन, वो सब इन्हीं शॉप से है, यहीं से आती लेने आई थी मैं सारा कुछ अपना। और यहाँ पे स्टिच मिल जाते हैं शरारा, सबसे अच्छी बात है। शायद ये चेंज हो गया थोड़ा सा यहाँ से ना, ये बन गया, पहले ये नहीं था। तो चलो मम्मी के साथ आती हूँ मैं देखने के लिए, फिर सामने वाली सूट का प्राइस पूछते हैं। चलो क्या बताते हैं, ये बस मुझे मारने वाले हैं कोई ना कोई। जब से हटना साइड प्लीज साइड, थैंक यू। चलो उसका प्राइस पूछते हैं, मैं बताती हूँ पूछ के। हाँ तो येलो है 4000 और पिंक है 3500। मैं बोल रही थी ना यही रेट आते हैं 4000-5000, बल्कि तो 4 बोल दिया इन्होंने। जो ये वाली शॉप है ना फर्स्ट वाली सूट की, ये वाली, इस पे तो ये जो बाहर दिख रहे हैं ना आपको, ये सब 8000-10000 की रेंज से स्टार्ट है इस वाली शॉप पे, और 10 से लेके पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। आ गए उसी सो शॉप पे, मैंने कहा था ना यहीं से लेंगे शरारा वाले। मेरी दुकान पर ले क्या क्या रहे भाई, वो छुच्छक में आएगा वरना सब लोग पहले वीडियो में देख लेंगे तो फिर क्या सस्पेंस है ना। ये लो भैया दिखा दिया। वाओ देखिए क्या बात वाले सूट आ रखे हैं, क्या बात क्या बात, क्या बढ़िया बढ़िया सूट है। ये पिंक वाला 8000, सही है भाई सूट खदान से लेना था, क्या ले क्या ना ले। मम्मी तो टोटली कंफ्यूज हो चुकी है, बहुत सामान ले लिया। अच्छी बात है कि हम जो जहाँ ब्लैंक शॉप है ना वहाँ पे रखाते हैं सूट, तो खाली हाथ है मेरे भी, जब जाएंगे तो उठा लेंगे वहाँ से। अब यहाँ से दिखते हैं यहाँ मिल जाएंगे सही सही। इंतजार में और रेड वाला सूट वो है जो मेरे पास है, येलो वाला मम्मी मुझसे भी आ जाओ। ये देखो कैसी गली, कटना थोड़ा सा देखा कितना पतली पतली जगह दे रहे हैं निकलने के लिए जगह। चल जाएगा
ओके सो आई जस्ट लव दिस सूट नियॉन एंड इसमें वाइट पे वर्क हो रखा है। इस वाले शॉप से भी हमने बाहर ही भर के सामान लिया है सूट का, सब कुछ सूट है इस वाले का। देखो ये क्या है, मतलब बारिश भी नहीं आती होगी यहाँ पे, इतना ज़्यादा जाल एकदम एसी यहाँ पे। तो मुझे लगता है अगर सोर्स वो हो गया ना ऐसे तार में फायर वायर लग गई भाई तो सब कुछ हो जाएगा ख़राब, ऐसा लग रहा है। चलो शॉपिंग डन, अब जाएंगे मेट्रो स्टेशन तक। ये चलो दिए रहे, हाँ कहाँ गए, हाँ हाँ यही जाने, हम दोनों को बैठा लो, आ जाओ मम्मी। भाई बहुत सामान ले लिया, ये बैग ये पूरा भर गया, सब डाल दिया इसके अंदर। और मौसी और मम्मी बहुत सारे बैग ले रहे हैं। ओके सो रेलवे स्टेशन यहाँ से लेंगे रिक्शा या ऑटो मेट्रो के लिए। मास में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो रिक्शा वाला यहाँ छोड़ के चला गया, और अब जाएंगे मेट्रो में। और मम्मी और मौसी गए जूस पीने के लिए, मैं यहीं खड़ी हूँ सामान के पास, फिर चलते हैं घर पे डायरेक्ट घर ही खाऊंगी, बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है अब। मेट्रो स्टेशन हाथ तोड़ दिए मेरे तो, बिल्कुल दर्द कर दिया देखो दोनों, मम्मी मौसी एक एक बंदे मुझे इतना भारी भारी बैग दे रखे भाई, बहुत ज़्यादा दर्द कर दिया लोगों ने। चलो चलते हैं बाय। अरे ना यार बाय, एक 10 मिनट बाद आओगी फिर मेट्रो ना आने की। सो मैं छोड़ने आई थी मम्मी को थोड़ा सा आगे, अब मैं जाऊंगी वापस घर पे, एक मेट्रो ही बस, एक मेट्रो गैप था, अब मैं वापस जाऊंगी। और ये है मेरा एक्चुअल फेस, आ गई मेट्रो, मैं घर आ गई थी आपको पता है। और मैंने सुबह की रोटी को रखे घी लगा लिया और सब्जी दही ले ली है, चलते हैं रूम में खाना खाऊंगी। कुछ किचन साफ है, मम्मी रखी है सामान साफ कर दी है सारी किचन, रात की सब्जी रखी है आलू की, रोटी देख ले बनाई मम्मी वरना मैं बना दूँगी कुछ भी। अब चलती हूँ डायरेक्ट अंदर, मज़ा आ गया बिल्कुल, खाना खाऊँगी। ओके सो आई एम टोटली टायर्ड, टू मच टायर्ड, इतनी पतली पतली गलियाँ और इतना सारा सामान हाथों का, ये दुख गया है बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी और उससे ज़्यादा वेट कैरी कर रहे थे, क्योंकि जो मेरी मासी है उनको ऐसे कमर में पेन होता तो वो इतना नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक पोली बैग, मेरी मम्मी के पास इतना सामान था और मेरे पास, मम्मी ने तो बहुत ही उठा रखा था। और जो हम रूट से आए थोड़ा सा, मतलब मुझे था छोटा है तो मैं छोटे से ले, बस उसमें दो बार एक्सचेंज करनी पड़ी, एक्सचेंज करने में मैं तो फिर भी चलो, बट मम्मी और मौसी बिल्कुल ही ख़राब हो गई हालत उनकी एक्सचेंज करने में, रजौरी वाली कुछ ज़्यादा लंबी थी इसलिए, बट ठीक है ओवरऑल जो भी था सामान आ गया सारा, जो बचेगा मम्मी मैं फिर ले आएंगे। अब दूर का कुछ नहीं है, पास का ये बच्चे बच्चे का सामान मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि यार अभी वहाँ पर टाइम है ना, वरना वहाँ के लोग भी देखते तो वो देख लेंगे तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा मेरी बहन के कपड़ों का, और ये सब वो मैं उसी दिन दिखाऊंगी। सो मैं खाना भी ले आई हूँ, और मीठे में ये रसगुल्ले आए थे हमारे घर, क्या टेस्टी थे, तो ये लास्ट ही बचे थे, मैंने ऐसे डिब्बा खोल लिया, देखे दो है तो मैं दोनों रख लाई। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ फिर मैं सो जाऊंगी, अगर हो सकता है मैं मिला लूंगी अपने हस्बैंड को, वो आएंगे ना अभी 8 बजे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जो भी होगा आगे, बट अभी मेरा खाने खाने का फिलहाल लेटने का मन और कुछ भी मन नहीं कर रहा। ओके